फैमिली आपका मेरे स्वागत है। तो आज हम हमारे पीछे जो आपको केज दिख रहा है इसके हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और जो ये वाला केज है हम इसकी जानकारी दे चुके हैं और आज हम इस वाले केज की जानकारी देंगे। तो हमें तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन करें, क्योंकि हमें जगह जगह सब्सक्राइबर हिट करने हैं। और हमें उत्तर प्रदेश जिले से हापुड़, और ये देखिए ये हमने उस पर रेड कलर कर रखा है जो नीचे है, और जो जाल है उसको हमने ब्लू कर रखा है, ऊपर देखा हमने टीम से जो पत्थर की टीम है उसको हमने ब्लू कलर कर रखा है। उससे क्या होगा गर्मियों में हीट अंदर नहीं जाएगी ज़्यादा, और जो आपके सामने दीवार दिख रही है उसको हमने पूरा ग्रीन कलर कर रखा है क्योंकि बजीज को ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो चलते हैं हम हमारे केज के अंदर। तो देखिए जो हमने लोग लगा रखे हैं, हमने पेड़ लगा रखे हैं, कहीं क्या पता कोई बच्चा आ जाए जो जाता रहे और वो उसको खोल दे और सारे बच्चे उड़ा रहे, या कोई आ जाए जो इसको खोल दे सारे बच्चे उड़ जाएंगे हमारे, तो इसलिए हमने सेफ्टी के लिए लोग लगा रखे हैं। चलो चलते हैं हम केज के अंदर। तो देखिए केज के अंदर हम आ चुके हैं, ये देखिए हमारे बच्चे में देखिए कितना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। ये हमारे पूरे 40 कपल है, ये हमारे पास 40 कपल है जिनमें से एक उड़िया था वो पता नहीं मेल था कि मेल एकदम गैस नहीं कर पाए। देखिए हमारे पूरे 40 कपल है, तो देखिए कितना चल चल रहे हैं, ये सारे एक्टिव हैं, इनका आपको मज़ा आ रहा है। तो देखिए हमने ये पाइप से नींव बना रखा है जो इनको झूलने के लिए आइए, इसके ऐसे झूलते हैं। और देखिए ये आपको तो पीछे पेड़ दिख रहा है, इसको देखिए ये हमने ब्राउन कलर कर रखा है, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा मजे से बैठते हैं। और देखिए जो आपको ये स्टिक दिख रही है जो स्टिक है इनके भी हमने ब्राउन कलर कर रखा है, इनके भी बहुत ज़्यादा मजे से बैठते हैं। और जो आपको ये मक्खियाँ दिख रही हैं, अब हम आपको बताएंगे कितनी मक्खी है, तो ये 50 मक्खी है, और अब हम आपको दिखाएंगे मक्खियों के अंदर। तो देखिए इसके अंदर 5 या 4 या 5 एग है जिसके अंदर मादा बैठी है, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव हो रखी है। तो देखिए हम दूसरी मक्खी इसके अंदर अभी इन्होंने बैठना शुरू नहीं किया क्योंकि सारे हमने मक्खी ज़्यादा लगा रखी है, इसके अंदर भी अभी नहीं बैठे। तो देखिए इसके अंदर भी मादा बैठी हुई है, इसके अंदर भी 1 या 2 अंडे होंगे, इसके अंदर देखिए दोनों बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी 3-4 अंडे हो सकते हैं, हम आपको अंदाजे से बता रहे हैं। इसके अंदर भी मादा बैठी हुई है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये खाली है क्योंकि हमने मक्खी ज़्यादा लगा रखी है ना, इसलिए अभी ये इनमें बैठना नहीं शुरू करेंगे, ये भी खाली है। और देखिए ये भी खाली है, इसके अंदर मादा बैठी हुई है, इसके अंदर 1 अंडा है शायद, ये तो खाली है, ये भी खाली है, इसके अंदर भी बैठना शुरू नहीं करा, इसके अंदर भी 1-2 अंडे हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मादा बैठी हुई है, इसके अंदर भी 1 या 2 अंडे हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मादा बैठी है। और ये इसके अंदर देखिए 3 या 4 अंडे हैं, ये खाली मटकी, ये देखिए ये भी खाली, ये खाली मटकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने बजी की ज़्यादा मटकी लगा रखी है, इसके अंदर भी देखिए 1-2 अंडे हैं। तो ये हमें सोच रहे हैं कि मटकियाँ खाली हैं, अंडे नहीं दिए, ये हमने ज़्यादा मटकी लगा रखी है इसलिए क्योंकि सब मादाओं को ऊपर की मटकी चाहिए होती है ना, तो वो लड़ाई करती है। तो हम इसमें दिखाते हैं आपको, ये भी खाली है, इसके अंदर देखिए 3 अंडे हैं, ये देखिए ये भी खाली है, और इसके अंदर भी देखो माता बैठी हुई है, इसके अंदर भी अंडे हो सकते हैं। और देखिए इसके अंदर भी 2 या 3-4 अंडे, देखिए इसके अंदर ये देखिए ये खाली है, इसके अंदर माता बैठी हुई है, ये देखिए ये भी खाली है, देखिए ये भी खाली है, ये भी खाली है, इसके अंदर माता बैठी हुई है, ये भी खाली है, देखिए ये वाली मटकी इसके अंदर भी मादा बैठी हुई है, देखिए इसके अंदर भी मादा बैठी हुई है, इसके अंदर देखिए 1 अंडा है, इसके अंदर ये भी खाली है, देखिए ये भी खाली है, और देखिए इसके अंदर मादा बैठी हुई है। तो देखिए हमने एक ऊपर LED बल्ब लगा रखा है जो कि उनको ज़्यादा जो कि उनको रोशनी दिखाई दे, और देखिए ये देखिए हमने कैल्शियम ब्लॉक भी लगा रखे हैं इनके लिए, और ये देखिए हमने इनको सॉफ्ट फूड भी दे रखा है, ये है सीड मिक्स जिसके अंदर है कंगनी, जो बाजरा और सूरजमुखी है, और देखिए ये हमने गेहूँ दे रखे हैं जो भी उबले हुए हैं, रात को भी उबाल के दे रखे हैं,
और ये देखिए पानी है जिसके अंदर ऑस्ट्रोवेटर जिमरल मिक्स करके डाली हुई है कैल्शियम के लिए। तो देखिए हमारे मरीज कितने ज्यादा सोल हो गया, कितने ज्यादा सहन गया, क्योंकि ये सारे एक्टिव है, अगर वो शांत बैठे होते तो बीमार होते, लेकिन आप देखिए हमारे सारे मरीज सह गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सारे मरीज कितने देर तक सह रहे हैं। आप बताओ आपको 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 कौन सा मरीज ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए हमने पीछे पेड़ यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए करा है जो कि उनको थोड़ी नेचुरल लुक आए कि हाँ जी हम हरियाली जगह पे हैं, हमारे लिए पेड़ भी है, हरियाली जगह भी है। और देखिए हमने इनका झूलने के लिए टंगा है जो कि बोर में हो, उसके अंदर बैठे रहे आराम आराम से ऐसे ऐसे झूलते रहे। देखिए देखिए कपल भी बैठे हुए हैं मक्खी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर जीत गई है। मैं मानव और आपके लिए रोज रोज शानदार शानदार वीडियो लाते रहूँगा।